महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 में सुधार के लिए दो दिनों से विश्वविद्यालय में चल रही बैठकों में समिति के समक्ष प्राध्यापकों से लेकर विभाग प्रमुख, सीनेट सदस्य, छात्र संगठनों, प्राचार्य फोरम आदि ने अपने अपने रखे सुझाव। सोमवार को तड़के 3:15 के दरमियान न्यू कामठी पुलिस थाने की टीम ने लेगांव के पास चोरी का कोयला परिवहन करते दो ट्रक को पकड़ा। बजाज नगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक गिट्टी खदान लेआउट निवासी स्वप्न सुरेंद्र वाघमारे बताए गए। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए आवेदन भरने वाले एक उम्मीदवार का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। अपने साथ शराब पिलाई और डरा धमका कर आवेदन वापस लेने के लिए मजबूर किया। ओबीसी एससी वीजेएनटी प्रवर्ग के विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप के लिए संबंधित कॉलेज के प्राचार्य शपथ पत्र पेश करे, यह सूचना सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग ने जारी की। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल के तहत रेलवे सुरक्षा बल के 100 से अधिक जवानों ने रक्तदान कर नववर्ष का किया स्वागत। शेयर के साथ राज्य के व्यापारियों को हो रही दिक्कतों को हल करने और व्यापार और व्यापारियों को बचाने की अपील कमेटी ने राज्य सरकार से की। बिजली बिल में हुई बढ़ोतरी सहित विविध समस्याओं को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के घर का घेराव करने के लिए मोर्चा निकाला गया। इसी दौरान आंदोलनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। नीलामी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए एक व्यक्ति के साथ पड़ोसियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। यशोधरा नगर पुलिस ने फिरियाद की शिकायत पर मामला दर्ज किया। प्रतिद्वंदी कांग्रेस से आसान जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद दयाशंकर तिवारी मनपा के 54वें महापौर चुने गए।